हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं त्रिश किचन और मैं हूँ त्रिशा। आज मैं आपके साथ गार्लिक नान की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, एकदम रेस्टोरेंट जैसा बनता है ये। आप इसको घर पे ज़रूर बनाइए और मुझे बताइए आपको ये कैसी लगी। ये विथ ईस्ट है, अगर आप विदाउट ईस्ट बनाना चाहते हैं तो उसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट मैं आपको दिखाती हूँ हम इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैंने 1/4 कप ऑफ वार्म वाटर लिया है, उस पर मैं 2 टेबलस्पून ड्राई ईस्ट ऐड करूँगी और इसमें 1 टेबलस्पून हम शुगर ऐड करेंगे। फिर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको हम 10 मिनट्स तक थोड़े साइड में रख लेंगे। ये देखिए, आफ्टर 10 मिनट्स ये अभी रेडी है। अभी मैं मैदा यूज़ करूँगी, यहाँ पर मैं 2 कप मैदा यूज़ कर रही हूँ। उसमें सॉल्ट मिक्स करेंगे, मिक्स करके इसको थोड़ा स्पून से हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। उसके बाद जो हमने ईस्ट का मिक्सचर बनाकर रखा था वो इसमें डालेंगे। डालकर इसको हम अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको हमें एक स्मूथ डो बनाना है। इसको बहुत अच्छी तरह से गूंदना है, बहुत टाइम लेकर इसको अच्छे से गूंद लीजिए। ये देखिए, ये अभी रेडी है। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल इसके ऊपर लगा दिया है। इसके बाद इसको मैं फिर से गूंथूंगी। गूंथने के बाद इसको 1 to 2 आवर के लिए हम ढककर रख देंगे। ये देखिए, आफ्टर 1 आवर। और इधर मैंने गार्लिक को चॉप कर लिया है, इसमें मैं थोड़े से चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स ऐड करूँगी। इसको एक साथ मिक्स कर लेंगे और जो डो है उसको हम थोड़ा सा फिर गूंथ लेंगे, थोड़ी देर के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें से अभी छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं, बहुत छोटे नहीं होने चाहिए, मीडियम साइज़। अगर आप थोड़े बड़े नान बनाने हैं तो थोड़े बड़े साइज़ के लीजिए। इसको अभी हम शेप दे देंगे। आप कैसा भी शेप दे सकते हैं, ओवल, ट्रायंगल। ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, ये स्ट्रेच करके भी आप बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको बेल लूँगी, थोड़ा सा बेलने से होगा क्योंकि अगर आप तवे पर जब ले जाओगे तो इलास्टिक जैसे ये हो गए हैं। अपने आप ये कोई भी शेप आप इसको दे सकते हो। इसके ऊपर अभी मैंने जो गार्लिक और कोरिएंडर का मिक्सचर रखा था वो दूंगी। वो देने के बाद थोड़ा सा इसको बेलेंगे जिससे ये अच्छी तरह से ऊपर चिपक जाए। देखिए इस तरह से। अभी इसको धीरे से तवे में दे देना है। इसको हम मीडियम आंच में बनाएंगे दोनों साइड इसके, इस तरह से। ये देखिए, एक साइड हो गए तो दूसरे साइड, दोनों साइड से बनाकर इसको हम उतार लेंगे। फिर इसमें आप बटर लगाइए। बटर लगाकर इसको आप गर्मा गर्म इन्जॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।